वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज मी ज़ैनब फैसल, वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो। सो आज ना मेरे साथ बहुत हैवी वाला प्रैंक हुआ था, लेकिन अब वो ठीक हो गया है। हुआ कुछ यूं था यार, मैं सुबह 12 बजे की उठी हुई थी, मैं रेडी शेडी हो गई, एज यू गाइस कैन सी मैं रेडी वेडी हो गई, मतलब मैं पूरी भी रेडी नहीं, ठीक है, नॉर्मल स्लीप ओवर करना था हम लोगों ने, हम दोस्तों ने प्लान बनाया था, मैंने हयार उसने, मैं 12 बजे उठी, नींद अपनी खराब की और फिर मैं शावर लेने गई। शावर लेने के बाद में जब वापस आई ना, तो मेरी दोस्त की मुझे कॉल आया कि यार मामा बाबा तो पता नहीं कहीं पे गए हुए हैं, तो छोड़ेगा कौन। मैंने कहा भाई मेरे बाबा भी कहीं पे गए हुए हैं, मुझे कौन छोड़ेगा। मैं बैठी थी ऐसे करते करते ना, आप लोग देख सकते हैं रात के 9 बज गए हैं, और मैं कभी मूवी देख रही हूँ, कभी ये कर रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, मतलब मुझे इतना घर बैठे बैठे इतना वो हो रहा, सर पे स्ट्रेस हो रहा है। मैंने कहा होना नहीं चाहिए यार, 2024 में प्रॉमिस किया था हैप्पी रहना, लेकिन 2024 ने भी अपनी औकात दिखा दिया ये करके। खैर अब हम अभी हया के कॉल आई के दोबारा से के उसके बाबा बाबा आ गए हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। तो अब मैं जूते पहनूंगी, मैंने बैग में गेम्स भी रख ली हैं, तो आपको मैं स्लीप ओवर का सब दिखाऊंगी, हम क्या क्या करेंगे, ठीक है, मौज मस्ती वगैरह चलती रहेगी। और हमने सोचा था कि हमने सोना नहीं है, क्योंकि हम हर स्लीप ओवर पे सो जाते हैं, ये सबसे बुरी याद है। तो मम्मी से पूछते हैं कि ओके मम्मी मैं जा रहा हूँ एक दिन के लिए, विल यू मिस मी। ओके तो मम्मी मैं जा रही हूँ, वो बाहर आ चुकी है। ओके तो अपना गंदा सा बस्ता पकड़ते हैं और चलते हैं शू, वहां जाके मैं आपको दिखाती हूँ, जल्दी कर लेट हो रही हूँ, अब मैं लेट हो रही हूँ, सुबह के मैं बैठी थी फ्री। चलो ओके तो गाइस मैंने गाड़ी का सीन नहीं लिया, क्योंकि मैं फौरन से बैठी, हमने बातें करी कि आप घर क्या बातें कर रहे हैं, मतलब अब अरूज के घर आ चुके हैं हम लोग। हेलो अरूज, हाउ आर यू, मैं भी हूं। ये भी इससे तो आप लोगों ने मिला ही होगा, मैं घर में इसी की बात करी थी। वेल मैं क्या कहना चाहती थी, आज हम कर रहे हैं स्लीप ओवर, खूब मस्ती वगैरह करेंगे, ठीक है ना। और इसने अरूस ने इतना ज्यादा वेट किया है, लिटरली 4-5 घंटे के लिए ये वेट किया इसने बेचारी ने, और अब फाइनली आ चुके हैं, अब अंदर चलते हैं, इसकी मामा वगैरह से मिलते हैं। कुछ खाने को तो जो बात है यार, बड़ी भूख लगी हुई है, बस खाना इसी और कुछ नहीं, चलो ओके गाइस तो अब हम लोग बनाएंगे नूडल्स, अभी मैंने चिप्स खाई है, बहुत यम्मी चिप्स, अब हम लोग जा रहे हैं नूडल्स बनाने, लेट्स गो नूडल्स खाएंगे। कम ऑन मेरे पीछे पीछे चलते रहो। उसके रात को हम लोग एक गेम है स्ट्रेट्स ही ना, वो गेम खेलेंगे और फिर घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, बस देखते जाओ। ओके गाइस अब हम लोग नूडल्स बना रहे हैं, और ये हयाम मुझे ये डालने दी दे रही है, ये अभी नहीं डालते डालते नहीं, मैं कह रही हूं नहीं डालते नहीं तो पक जाएगा, एकदम मस्त किस्म की नूडल्स बनेंगी। मैं कह रही हूं मुझ पे भरोसा ही नहीं कोई करता यार, आज मैं भरोसा करेंगे क्या है नाइफ, यार गाइस ये बहुत चाबी लग गई, नाइफ चेक करो आगे से टूटी हुई, और मैं खिलाते हैं एक स्पून टेस्ट करके बताएं, क्योंकि आज मेरी मर्जी की बनी है नूडल्स, नहीं इतनी कम सूप के साथ बिल्कुल ट्राई करें। आंटी ने वैसे खाना भी बनाया हुआ था, लेकिन हम बाज नहीं आए, हमने जंक फास्ट फूड खाना पसंद किया, और मुझे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एंजाइटी लेवल हाई हो गया उनके। ये टेस्ट कैसी है, यमी स्पाइसी लग रही है उनको, मेरा स्पाइस लेवल जीरो है, स्पाइस लेवल जीरो है,
मेरा 100 से भी अबव जाती है, बहुत हैवी रहता है। अच्छा आंटी, आपके खाने को हम लोग रात को अगर पेट में कोई जगह वगह हुई तो खा लेंगे, मुझे काफी लुकिंग डिलीशियस लग रहा है। सही बात है, आंटी का खाना वैसे बेस्ट होता है, मैंने कभी खाया नहीं ना आपके हाथ का, तो फिर लाओ ना ताकि। चलो आज रात को अगर कुछ बचा हुआ है वैसे, चले रात को टेस्ट करके बताऊंगी आंटी का खाना कैसा होता है। सही है, जैनब की असलियत अभी वो कह रही थी कि उसका स्पाइस टॉलरेंस बहुत हाई है। ये है, इसका अभी से एक बाइट लिया है। यार बहुत स्पाइसी लग रहा है, क्योंकि मसाला, अगर सोचो मसाला हम लोग बाद में डालते हैं तो ज्यादा स्पाइसी। गाइस हम लोगों ने हया को इग्नोर किया, हम दोनों ने ठीक है प्रैंक किया, और इसने सच में अपने बाबा को कॉल करके बाबा मुझे लेने आ जाओ। उसके बाबा ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा हम इग्नोर कर रहे थे इसको, तो कहते इग्नोर कर रहे थे ना, सीरियस होकर सुनो और इग्नोर करो। ये हालत हो गया बेचारी की, शक्ल पे रोना लिखा हया, कुछ भी नहीं होता है यार, इतना ऑफेंड हो गई है। कहती जैनब जूते उतार दो, मैं कह रही हूँ अरुष किस काम पे पड़ी है, खानी है मैंने, कहती जैनब जूता उतार दो, मैंने कहा क्या, कौन बुला रहा है मुझे, इतना मजा आया। चल यार चुप हो जा, जानी चुप हो जा। ओके गाइस, सो हम लोगों ने बहुत बातें की, मजा किया, फन वगैरह किया। अब जो है ना लेट नाइट क्रेविंग हो रही है, मतलब खुद दिल चाह रहा है खाने को, चिप्स भी खा लिया, सुबह हम लोगों ने और भी जगह भी जाना, मतलब दूसरी दोस्त से भी अपनी मिला है ताले से, ठीक है। कॉफी में क्या पड़ा है, यमी कॉफी दिखा, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा मुझे ठंड लग रही है, तो अब हम लोग बनाएंगे कॉफी शॉप बनाएंगे, थोड़ा प्रोडक्टिव होंगे, और किन्नू के साथ किन्नू बहुत अच्छा मैच है। नहीं हम ब्राउनीज खाएंगे कॉफी के साथ, वो है ब्राउनीज है, मैं भूल गई, बस जान करो हम खाएंगे ब्राउनीज, आपसे मिलती हूँ मैं। ओके तो हया अरुष और मैं कॉफी बनाने लगे हैं, कौन सा ग्लास में, यही वाले लाल ग्लास में पीते हैं, लाल कॉफी लाल ग्लास में पीते होते हैं, ठीक है ना। सब घर वाले सो गए इस वक्त, इमेजिन करो टाइम क्या, और हमें ठंड लग रही, 6 बजने वाले सुबह, टाइम सुबह के 6 बजने वाले, और नींद तो उड़ गई, कॉफी पी के और उड़ जाएगी। 5:45 लेट्स मेक कॉफी गाइस, लेट्स गो, जल्दी जल्दी से कॉफी बनाते हैं, पीते सीते हैं, ठीक है, और इन्जॉय करते हैं। और आपको पता है अभी मैंने एक गेम भी इन लोगों से खिलवानी है, वो भी चैलेंज हम लोग करते हैं, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। 2024 का पहला चैलेंज होगा, बेस्ट ऑफ लक अपने आप को कहना चाहिए मुझे। ज़ैनब सो गई है, अब हम इस पे पानी फेंक के थोड़ा सा, ये सो चुकी है। उठ जाओ ज़ैनब, तब से हमने स्लीप ओवर का, मतलब सुबह में बताई थी स्लीप ओवर का मतलब स्लीप ओवर मतलब खत्म, ये स्लीप खत्म है, आप लोगों को स्लीप खत्म लग रही है कहीं से। चलो गाइस अब हम आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं, इसको जरा उठा ले फिर हम आपसे मिलते हैं, क्योंकि अभी हमने गेम्स भी खेल ली थी। गाइस ये देखें अभी तक सो रही है, मैंने इतनी कोशिश की उठाने की लेकिन नहीं नहीं स्लीप ओवर है, स्लीप ओवर है, ये स्लीप ओवर है, इसको स्लीप ओवर कहते हैं। ओ गर्ल ऐसा करते हैं, जब बात बदल गए वक्त बदल गया, जब बात बदल गई ऐसे ही कुछ कहते हैं ना, लेकिन इसकी नींद नहीं रुक। अच्छा ओके गाइस, बहुत ज्यादा तशद्दुद हो गया फॉर टुडे। अच्छा तो फाइनली इनका प्लान सक्सेसफुल हुआ, इन्होंने मुझे उठा लिया, ठीक है, और मेरी आंखों में फुल नींद भरी हुई है, 7 बज के, और बाहर देखो इतना अच्छा मौसम, ये स्पेशल मेरे लिए छतर लाइया, मैं आहिस्ता बोलाऊंगा क्योंकि आया, जल्दी आओ जल्दी आओ, हम चले जाएंगे बाहर, इतना प्यारा मौसम हो रही है, सुबह के 7 बज रहे हैं हम लोग, अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा बाहर बाहर घूमें। तुम मेरे लिए लाई थी अरुष, खुद पहन के अकड़ गई यार, ठंड है तो बेटा मैंने सही बोला था, ठंड है, तबीयत तबीयत सबकी खराब होगी ना, फिर देख दो मेरी चद्दर आते, चलो आ जाओ, बहुत ठंड है। ओके गाइस तो हम लोग जो है बाहर निकल रहे हैं, तीनों लड़कियां वॉक कर रही हैं, मेरे दोनों हाथ इनके ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपोथर्मिया है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ, सामने का व्यू तो चेक करो। हम इसको लगा डॉगी पड़ गया,
इसको लगा डॉगी बढ़ गया, लेकिन वो दूसरे घर से बोल रहा था मामा हमें भाग दे दो। ओके तो गाइस हम लोग सो गए थे, सोकर आधे उठे हैं और ये सो रही है लड़की, उठी नहीं रही है। वो खाना भी लेकर आई कि यमी यमी सा नाश्ता बन चुका है, ठीक है आप बस खाने की देर है। मेरी आधी आँख बंद हो रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। वो ब्रेड हिटो है यार, ना खाना पकड़ो, खाना वाना भी खाते होते हैं, चल चल खाना खाते हैं। हाँ यार उठो यार जल्दी। ओके गाइस सो गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, अभी भी कमरे में अंधेरा है क्योंकि अभी अभी लाइट गई है और ये मैडम अभी भी सो रही है। उठो जो है यार। अच्छा आज का कुछ सीन ये है, कल हम लोगों ने खेल ली थी गेम्स, लेकिन हमने नहीं खेली गेम्स, ठीक है क्योंकि हमें नींद इतनी ज़्यादा आई थी, मैं ही उन नशे में सो रही थी। अब सुबह उठे हैं, 3 बज गए सुबह के, हमने नराला के साथ भी प्लान बनाया था बाहर जाने का, लेकिन वो मैडम सोई हुई है, कॉल ही नहीं उठा रही है, मैं कॉल पर कॉल करी आई नहीं। अब ईमान आएगी घर यहाँ पर, ठीक है अपनी स्कूटी पर, वो जो स्कूटी वाली मेरी फ्रेंड है वो आएगी। ये भी उठी हुई है, क्या करनी है आप, ये क्या चीज़ है, अपनी आंखें साफ करने लगी हूँ। चलो मेकअप रिमूवर मैंने भी नहीं किया हुआ, मेरा फोन चार्जिंग पर लगा दो, मेकअप से इतना मजा नहीं आई है। खैर अभी ईमान आएगी फिर उसके साथ ही घूमते घूमते, चुप नहीं करना तुम्हें, लाइट गई हुई है। अच्छा आज जो होता है वो भी सब आपको दिखाते हैं, मस्ती वगैरह ही मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। जिस दोस्त का नाम लिया था जो स्कूटर चला के आती है, ठीक है वो आ चुकी है। हेलो ईमान कैसी हो, ठीक ठाक हो। अच्छा तो अब इसके साथ ही हम लोग कहीं घूमे भी नहीं क्योंकि पहली बार दोस्त ने तो हमें डिच कराया हो, पता नहीं कोई उसके घर कोई मतलब जरूरी काम याद आ गया था उसको, तो वो कहीं और चली गई है, इसलिए अब हम लोग घूमेंगे वन एंड ओनली ईमान के साथ। ईमान रही, मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए इसकी, मैंने जैकेट पहन लिया, अब तुम भी जाओ कपड़े चेंज करो। ओके तो हम लोग आ चुके हैं पार्क और ये कह रही है कि दरख्त के ऊपर चढ़ना है और ये चढ़ती है दरख्त। आर यू फॉर रियल के सच में दरख्त के ऊपर चढ़ते हैं तुम भी? हाँ चढ़ लेते हैं दरख्त के ऊपर, सच में चढ़ते हैं, ये वाले नहीं चढ़े जाते, ये नहीं जाएगा। कोशिश हाँ एक बार, नहीं इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर चढ़ो, चढ़ना तो बस पहुंच गई, पहुंच गई। अब करो, अब करो, यहाँ मजा नहीं आने। हमें ना ट्री हाउस बनाना चाहिए, उधर नहीं जा सकते, वो क्या चीज है, वो क्या चीज है, भी करंट लगेगा आपको सर्दी। ये देखो मैंने भी चढ़ना है पहाड़ पहाड़ पर, जैनब चढ़ेगी पहाड़ पे दरख्त, माय बैड, चलियो गर्ल, बस खड़ी हो गई या बंदरी बन गई, कम ऑन यू गॉट दिस, हिम्मत भरोसा रखो। बिल्कुल मजा नहीं आया, फ्लॉप हुआ यार ये प्लान। ओके तो गाइस जिस गेम का काफी देर से हम लोग इंतजार करते थे वो गेम है ये जो ये होता है ना, ये वो जो डेंटिस्ट नहीं वो मुंह पे पहनाती, लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे क्योंकि बहुत बुरे लगेंगे। अब गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, मैं सबको रूल्स वगैरह बता देती हूँ क्या। अच्छा ये मिलता है ठीक है ना, ये होता है तुम्हें एक इसमें से निकाल के देंगे, तुमने ना हम दोनों को समझाना है इशारों में, ठीक है हाँ। नहीं बल्कि तुमने सिर्फ एक बंदे को समझाना है यूं करके, नहीं बल्कि आंखें बंद करके कोई भी एक चीज तुमने पकड़नी है और दूसरे बंदे को वो जो श्रेड टाइप होते हैं समझाने इशारों में हाँ। वो अगर तुम्हें पूरा सेंटेंस हमसे बुलवा लिया तो तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन ना बुलवाया तो आउट। और टाइम ना अगर हमने बोल दिया हमें पॉइंट मिलना चाहिए, हाँ नहीं वरना तो अगर हम तो जान पूछ के नहीं बोलेंगे ना ताकि इसको पॉइंट ना, तुम एक ही टीम में होंगे हम तीनों तो पॉइंट्स क्यों करने हैं, तीनों नहीं सॉरी दोनों, मैं बताती हूँ क्या होता है, हम चार लोग नहीं हम तीन लोग हैं। देखो ये वहाँ खड़ी होएगी, ये पकड़ेगी अपनी आंखों बंद करके एक कार्ड, अब जैसे आया है विटी वर्म्स राइट राइम, इसको करना पड़ेगा विटी विटी क्या चीज, मतलब कुछ तो करके इसको हमें समझाना पड़ेगा, नहीं होगा विटी हम कैसे करेंगे, मैंने बोला विटी आएगा, ये दूसरा वाला डिफरेंट है, पता क्या होता है इसको मुंह में क्या बोल रहे हैं वो ऐसे करके होता है, लेकिन ये मैं लेकिन ये कैमरा में बड़ा इंसान बुरा, सारे दांत आपके नजर आते हैं, लोगों ने बड़ी गंदी वाली मीम बना ले, एक नहीं दिखा, ये देखो परफेक्टली क्राफ्टेड पेस्ट पास्ता पिरामिड यार, अरूज पे अच्छा लग रहा है मुझ पे नहीं लग रहा क्योंकि मेरे ब्रेसेस थे इसलिए, अरूज पे सच में क्यूट लग रही है वो, मेरे ब्रेसेस यूं ना दिखाना, अच्छा ठीक है नहीं दिखाती हां गाइस क्या बकवास की थी वो, फैशन फैशन एहन एक्शन एक्ट नहीं कर सकते ये गलत है, फैशन फैशन ह ह है ह है ह दे अ फैशन 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 A hand. A hand. A hands. Ahens. 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 Puffins. Hair. Puffins hair. Hair. Puffins hair. Hair. Puffins hair.
गाइस लोगों को दिखा क्या पहला वर्ड क्या था पफिंस पफिंस हैव राइट वो निकाल रही थी तुमको कितना दिखाओगी वो लोगों को ये है पफिंस हैव वाइट फेसेस फेसेस कहती फेसेस तुम्हें फेस कैसे बोलती इतना फन था यार हया करे मजा है ना फिर गाइस सो स्लीप ओवर होता है खत्म गेम से हमने खेल ली दिस वन नाइस हैविंग फन विद यू गाइस ये तो मेरे साथ ही जा रही है चल निकल चल चल ओके गाइस तू चल और अपना बस्ता पकड़ते हैं यार ये बंद करोगी मेरा बस्ता प्लीज थैंक यू सो मच हम चले घर बाय बाय होम रूम अच्छा मम्मी को बताएंगे हमने बहुत ज्यादा मजा किया फन किया ओए मेरा टीथ ब्रश वॉशरूम में ओके गाइस तो मुझे हया ने फाइनली छोड़ चुकी है ठीक है ओके बाय बाय हया आई विल मिस यू पता नहीं अब कब मिलते हैं क्योंकि मंडे को हमारा पेपर है पहला बोल हैवी सीन होने वाला पढ़ाई वढ़ाई भी करनी है अपना सामान पकड़नी हूँ बस्ता पकड़ती हूँ और घर जाती हूँ मैंने अपने घर को बहुत ज्यादा मिस किया है चलो लेट्स गो बाय बाय चलो ओके चलते हैं हेलो मम्मी आ गया हूँ मैं ये किस चीज की तैयारियाँ चल रही हैं रात्रि पे जाना है कल आए कल मुझे लगा था कि मैं फ्री हो गई हूँ तीन दिन जाना है भाई आप ही की शादी खत्म हुई नहीं है कि दूसरों की शादियों पे और जाने लग गए हम लोग मैं थक गया हूँ हर शादी पे जा जाके ओ माय गॉड घर छोड़ जाएंगे हम चले जाएंगे ऐसा नहीं होता मैं भी जाऊंगी ठीक है आखिर लोगों को भी तो कंटेंट देना होता है ना तो इसलिए मैं जाऊंगी और कोई मकसद नहीं है मेरा जाने का सूट वगैरह हम भी बनवाते हैं शादी के क्योंकि तैयारियां भी तो जरूरी होती हैं ये कलर मेहंदी पे पहन सकते हैं हां हां मेहंदी पे ये प्यारा लग रहा है बहुत ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल सो लुकिंग गर्ल आई वाला ओके मम्मा ठीक हो गया ओके हो गया मैं भी अपने कपड़े देखूंगी ठीक है तब तक के लिए मेरे तो तीनों दिन के पूरे हैं अब तुम लोग अपने ओके मम्मा ने मेडिस करा दिया खैर आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर बाय आई लव यू सब्सक्राइब करना हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना लाइक शेयर कॉमेंट